आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। माँ की चिता की आग अभी शांत भी नहीं हो पाई थी कि जवान बेटे की मौत हो गई। जी हाँ, चंदन मुंडा 3 दिन पहले ही अपनी माँ को मुखाग्नि दिया था और आज मंगलवार को एक ट्रक की चपेट में आकर उसकी जान चली गई। दरअसल 20 वर्षीय चंदन मुंडा अपनी माँ के अंतिम संस्कार का फोटो निकलवाने अपनी बाइक से साहिबगंज बाजार की ओर आ रहा था और इस बीच जिरवाबाड़ी थाना के करीब कृषि विज्ञान केंद्र के सामने एक ट्रक की चपेट में आ गया और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। एक ही परिवार के 2 की मौत 4 दिन के भीतर हो जाने पर परिवार के साथ साथ समाज के लोग भी मर्माहत और शोकाकुल है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतक चंदन मुंडा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करा रही है। चंदन के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि पुलिस प्रशासन का मानना है कि बाइक की सवारी बगैर हेलमेट के जान जोखिम में डालना है। साहिबगंज से शिव शंकर निराला की रिपोर्ट। हमने तो जिस तरह से हमें सूचना मिली थाने पे आकर के, जितना जल्दी हो सके हमने कोशिश किया कि उसे अस्पताल इलाज के लिए भेजा जाए, परंतु यहाँ आने पर हमें ये बहुत दुखद समाचार मिला कि उसे मृत घोषित कर दिया गया। एक्सीडेंट हुआ था, इसमें एक चीज देखा गया कि हेलमेट नहीं पाया गया। तो इससे हम लोग ये भी है कि जागरूकता हमेशा फैलाते हैं कि जब भी आप ड्राइव करें कुछ भी करें तो आप हेलमेट पहन लें, अपनी सुरक्षा पहले रखें। धन्यवाद।